मांडू से सटे ग्राम पन्नाला में पिछले कई वर्षों से गर्मी के शुरू होते ही जल संकट विकराल रूप ले लेता है, जिसके चलते बूंद बूंद पानी के लिए गांव के लोगों को मशक्कत करना पड़ती है। पिछले कई दिनों से पंचायत को समस्या बताने के बाद भी रहवासियों की समस्या का कोई निराकरण नहीं निकाला गया, जिसके बाद महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आईं। पन्नाला गाँव की महिलाएं शुक्रवार शाम को सड़कों पर खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरी, जहाँ मांडू धार मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। रहवासी पिछले दिनों से पंचायत को समस्या बता रहे हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं निकलने पर महिलाओं ने प्रदर्शन करके मांडू धार मार्ग पर जाम कर दिया। वहीं जाम लगने पर मौके पर नालछा तहसीलदार सुरेश नागर पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि सरपंच को अवगत करवाया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम के कारण सड़क पर करीब एक घंटे तक 500 मीटर लंबा जाम लगा रहा, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नालछा तहसीलदार सुरेश नागर ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जाकर संबंधित पंचायत को निर्देश दे दिए गए हैं कि पानी की व्यवस्था की जाए, जिसके बाद महिलाओं ने चक्का जाम खत्म कर दिया। ग्राम पन्नाला में पानी की बहुत समस्या है। विधायक साहब को अवगत कराया गया, जनप्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष लालजी नागर को अवगत कराया गया। उसके बाद में गाँव के बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत पहले ही बहुत संघर्ष किया, उसके बाद में पानी की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण महिलाओं ने यहाँ पे रोड जाम किया है। कोई सुन रहे नहीं है, बार बार बोलते हैं उनको, जब भी सुनते ही नहीं है वो लोग। हमारे गांव में पानी नहीं है, एक महीना से पानी खत्म हुआ है। पब्लिक बहुत परेशान होती है, 2 किलोमीटर रोज से दूरी से पानी ले जाते पूरे साल, पर अब तो ये भी पानी नहीं है। उनने 4 दिन का बोला है, आधा दिन लिख के दिया कि तुम्हारी व्यवस्था करते हैं पानी की, और पानी की व्यवस्था कर भी नहीं। मंत्री ने बोल दिया कि बोला जाम करो तुम, तो नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, बोले तुम्हारे गाँव में पानी नहीं है तो पानी बदले और कहीं भी पानी दिए भाई। अब तो अच्छी रात से रोटी पर रोटी रोटी पानी भी नहीं आवे, और एक रोटी पानी भी नहीं आवे, पानी बदले फिर रात में दन बूढ़ी लोग पड़ी भी जाओ। वहीं लगभग एक घंटे तक जाम से सड़क के दोनों ओर बसों के साथ कार लोडिंग वाहन समेत तमाम छोटे बड़े वाहन फंसे रहे, जहां मौके पर नालछा तहसीलदार सुरेश नागर पहुंचे और आश्वासन दिया, उसके बाद जक्का जाम समाप्त हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, मांडू।